हेलो फ्रेंड्स टुडे वी डिस्कस डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फा सॉलिड्स एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी अबाउट व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फा सॉलिड्स तो जैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के आप के बारे में आप जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड होता है इसकी सेप डिफिनेट होती है इसकी मिल्टिंग पॉइंट हाई होती है और शार्प होती है तो हमने ऐसा ट्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग ट्रू सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं तो आज हम लोग क्रिस्टलाइन और एमहार्सा सॉलिड्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम फर्स्ट पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लिखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डिफिनट शेप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप अगर एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड्स की जो सेप होती है वो इरेगुलर होती है तो हम लोग लिखेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स हैव इरेगुलर शेप सेकेंड पॉइंट की बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मिल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मिल्टिंग पॉइंट शार्प मिल्टिंग पॉइंट एमॉर्फस सॉलिड्स हैव एमॉर्फस सॉलिड्स हैव रेंज मेल्टिंग पॉइंट नाउ बी एक्सप्लेन कहने का मतलब जैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आप सार्फ मिल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब जैसे अगर हम कोई भी केमिकल सॉल्ट लेते हैं तो अगर उसकी मिल्टिंग पॉइंट कोई एक फिक्स डिग्री सेल्सियस होती है जैसे अगर हम कोई भी साल्ट लिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है या 85 डिग्री सेल्सियस है तो वह साल्ट आप जब उसकी मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे या मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जो मिल्टिंग स्टार्ट होती है या कम्प्लीटली मेल्ट होती है वो 85 डिग्री सेल्सियस अगर होगी तो वो 85 डिग्री सेल्सियस पे ही वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा अगर उसकी मिल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसकी कम्प्लीट मिल्टिंग 90 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगी जबकि के केसेस में ऐसा नहीं होता हमने एमार्फा सॉलिड्स का एग्जाम्पल प्लास्टिक दिया था प्लास्टिक को आप जब कभी भी मिल्ट कर, करते हैं तो आप इनिशियली देखते हैं कि प्लास्टिक को जब आप इनिशिएट करते हैं जैसे मिल्टिंग स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं उसकी जो मिल्टिंग होती है ग्रेजुअली होती है धीरे धीरे होती है तो वहाँ पे हम क्या पाते हैं एक रेंज ऑर्डर में पाते हैं मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज ऑर्डर में मेल्टिंग पॉइंट कर पाते हैं अगर वो धीरे धीरे शुरू होता है मिल्टिंग पॉइंट होना उसके बाद फिर कंप्लीट मिल्टिंग होता है तो एक परफेक्ट रेंज में होता है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुआ 150 डिग्री सेल्सियस पे वो कंप्लीटली मिल्ट हो गया तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक शार्प मिल्टिंग पॉइंट नहीं पाते लेकिन हम लोग क्रिस्टलाइन सॉल्ट के, के केस में ऐसा पाते हैं कि जो मिल्टिंग पॉइंट होती है वह एग्जैक्ट मिल्टिंग पॉइंट होती है नाउ थर्ड पॉइंट की बात करेंगे इंट सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक एंड एमॉर्फो सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक दोस्तों एन आइसोट्रॉपिक और एसोट्रॉपिक सॉलिड्स के बारे में हम आपको अभी कुछ देर बाद एक्सप्लेन करेंगे लेकिन आप रिसेंटली ये याद रखिए कि एन आइसोट्रॉपिक वे सॉलिड्स होते हैं जैसे कि एन आइसो एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती क्या है पहले आप इसके बारे में जानें जैसे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलास्टी इन सबको आप जब आप डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे तो इसी बिहेवियर को इस डिफरेंट बिहेवियर को हम एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं और जो सॉलिड ऐसी बिहेवियर को शो करते हैं उन्हीं सॉलिड्स को हम एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स कहते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारा जो होता है वो एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स होता है नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड क्रिस्टलाइन

ट्रू सॉलिड्स और सॉलिड्स क्या होते हैं जैसा हमने आपको बताया था ट्रू सॉलिड्स कहने का मतलब यह है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो भी होते हैं वो सॉलिड्स की सभी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं इसीलिए हम इनको ट्रू सॉलिड्स कहते हैं वाइल एमॉर्फर सॉलिट डज नाट टू बी आल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिट्स सो इट इज कॉल्ड सूडो सॉलिड्स ओके एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग बात करेंगे कि एमॉर्फस सॉलिड्स जब को किसी भी एमआरफो सॉल्ट्स को जब हम कट करते हैं तो वो क्या होता है प्लेन सरफेस देता है जब आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करेंगे तो आपको क्लीन सरफेस मिलेगा लेकिन एमार्फो सॉलिड्स के केसेस में ऐसा नहीं होता जब एमआरफो सॉलिड्स को आप कट करेंगे तो आप पाएंगे कि दो सरफेस जो मिलेंगी वो क्या होंगी रफ़ सरफेस होंगी या इरेगुलर सरफेस होंगी कहने का मतलब जैसे अगर हम कोई भी एक सॉलिड ले लें और इनको अगर हम कट करते हैं ये देखिए हमने इसको कट किया अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होगा तो जो हमें इसका कटिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी क्लीन मिलेगी या प्लेन सरफेस आप कर सकते हैं हमको क्या मिली प्लेन सरफेस मिली लेकिन अगर आप किसी भी एमआरफस सॉलिड्स को आप कट करेंगे या ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो सरफेस मिलेगी वो क्या मिलेगी रफ़ सरफेस मिलेगी इसका एग्जांपल आप चाक ले सकते हैं कोयला ले सकते हैं आप जनरली नोटिस किए होंगे चाक को आप तोड़ते हैं तो वो टू डिफरेंट वे में टूटता है उसका जो सेप होता है वो सिमिलर नहीं होता वो रेगुलर नहीं होता प्लेन सरफेस नहीं मिलता वो रफ़ सरफेस मिलता है उसी प्रकार कोयला कोयला भी आप तोड़ेंगे कोई बड़े पीस में टूटेगा कोई छोटे पीस में टूटेगा इरेगुलर पीस में टूटता है ऑर्डर उसका अरेंज रेगुलर नहीं होता तो इसीलिए हम इसको इरेगुलर कह सकते हैं कि जब हम एमआरफो सॉलिड्स को कट करेंगे तो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती तो हम लिखेंगे कि विन कट विन कट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इट गिव्स प्लेन सरफेस, इट गिव्स प्लेन सरफेस, वाइल एमआरफो सॉलिड्स विन कट